मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आ गया हूँ मैं आपके सामने क्लास टेंथ की वीडियो लेकर, क्लास टेंथ की नॉलेज लेकर, क्लास टेंथ के बच्चों के लिए एक केमिस्ट्री का उपहार लेकर। तो लास्ट टाइम सिर्फ हमने आपका जो पहला चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, यानी कि शुरुआत में केमिकल रिएक्शन क्या होती है, यानी कि टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन या मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस नोन एज केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या द रिएक्शन इज द चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। उसके बाद मैंने आपको कुछ चेंजेस के बारे में बताया कि केमिकल रिएक्शन को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे स्टेट का चेंज होना, कलर का चेंज होना, टेम्परेचर का चेंज होना, है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, और वहाँ जा कर के आप उस वीडियो को पहले देखें, फिर आप यहाँ पर आए नई इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। तो आइए चैप्टर को आगे ले जाते हुए मैं अगले टॉपिक की बात करता हूँ। उसी चैप्टर का मेरा वही है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मैंने अभी मैं बात करने वाला हूँ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो सबसे पहले आपने केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये समझा। अगर मैं आपसे कहूँ कि केमिकल रिएक्शन क्या हो, केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ है, तो किसी भी रिएक्शन को सिंबलाइज्ड फॉर्म में अगर आपसे कोई ये बात पूछ ले कि केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ है, तो आप क्या बताएंगे कि किसी भी रिएक्शन को सिंबलाइज्ड फॉर्म में लिखने का तरीका ही एक केमिकल इक्वेशन कहलाता है। और उसके अंदर क्या है, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ, सपोज़ दैट मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा कि भाई एक नाइट्रोजन गैस है और ये कंबाइन हो रही है हाइड्रोजन के साथ और आपको क्या दे रही है, अमोनिया दे रही है। ये एक केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, आपको अमोनिया मिल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसे सिंबलाइज फॉर्म में लिख देता हूँ, एन टू प्लस एच टू गिव्स एन एच थ्री, तो ये एक केमिकल इक्वेशन हो गई, है ना। तो ये क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन हो गई। और जो एरो से पहले वाले चीज़ें हैं, अगर ये एरो से पहले वाले चीज़ें देखेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये रिएक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, ये रिएक्टेंट होते हैं। और जो एरो के बाद वाली चीज़ें होती हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट होते हैं, समझ गए। एरो से पहले वाली चीज़ें रिएक्टेंट होती हैं और एरो के बाद वाली चीज़ें जो है प्रोडक्ट होती हैं बेटा जी। और ये जो एरो है वो एरो बताता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन किधर है। दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि डायरेक्शन रिएक्शन किधर जा रही है। अगर ये एरो ऐसे होता तो इधर से इधर आ रही होती। मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है हमें जो प्राप्त हो रहा है उसको हम किस तरह से सिंबलाइज करेंगे, वही केमिकल इक्वेशन होती है। बताओ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, पक्का ही समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एन टू प्लस एच टू, अगर मैं इसे बैलेंस की बात करूँगा, साथ में बार बात कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन और रिएक्शन के बारे में बताऊँगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बैलेंस कैसे होगी, है ना, तो यही वो पूछ रहा है कि भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। तो जब रिएक्टेंट के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट, प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट आर इक्वल, जब दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे, किसमें, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स दोनों ही हमारे इक्वल हो जाएंगे, तो उस फॉर्म को या उस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। दोबारा से, व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट
इज नोन एज या दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बताओ ये बात तो आपको पक्का ही समझ में आ गई होगी। और इसको बैलेंस करने का पढ़ा मैं अभी आपको सिंपल वे बता रहा हूँ। मैं आपको एक अलग से तरीका जो एक्चुअल में आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर है कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन विद द फॉलोड बाय द स्टेप, है ना, किस तरह से स्टेप को फॉलो करते हुए हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो अभी मैं आपको ये सब नहीं बता रहा, आप सिंपल सीखे, क्योंकि क्वेश्चन हम जो है आपके पेपर में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल एक ही बार पूछा गया है कि रूल्स क्या है, तो वो मैं आपको एक वीडियो अलग से बनाऊंगा पूरा डिटेल में, है ना, तो उस जब हम बात करेंगे। फिलहाल हम यही समझ लेते हैं कि कैसे हम इक्वल करेंगे। हम कोई भी एटम उठा लेते हैं, मान लीजिए हम नाइट्रोजन से ही बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप रिएक्टेंट के अंदर देखेंगे तो नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ दो है, समझ रहे हैं, इसमें रिएक्टेंट के अंदर नाइट्रोजन कितना है, दो है, समझ में आ रही है। और प्रोडक्ट के अंदर नाइट्रोजन कितना है, एक है, रिएक्टेंट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, रिएक्टेंट के अंदर नाइट्रोजन दो हैं और प्रोडक्ट के अंदर नाइट्रोजन एक है, ये तो नाइट्रोजन के साथ नाइंसाफी हो गई। तो इसको सही करने के लिए हमने क्या किया कि हम सोचेंगे यार इसको भी दो करना है, तो कभी भी जब भी आप किसी भी केमिकल इक्वेशन में नंबर लिखते हैं, समझ में आ रही है, जब किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय नंबर लिखते हैं ना, तो वो नंबर जो है ना तो मैं यहाँ लगाऊंगा ना ही मैं यहाँ लगाऊंगा, ये बिल्कुल बेकार तरीका है, नहीं लगाना है, कभी भी ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, जब हम खुद बैलेंस करते हैं उस टाइम पे, ठीक। और हाँ, जब हम बैलेंस करेंगे, जब मुझे ये दो करना पड़ेगा, मतलब इसको भी अगर दो करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा जी, आगे दो लगाना पड़ेगा दोबारा से, यहाँ एन बराबर दो और यहाँ एन बराबर एक, तो आपने क्या किया, इसमें उठा करके कर, मुझे दो करना है, इसमें दो करना है, तो क्या करेंगे, इसमें दो लगा दीजिए, बड़ा आसान तरीका, दो लगा देंगे तो दो लगाएंगे तो टू एन, इधर भी टू टू, इधर भी टू हो गया कि नहीं, इधर भी टू हो गया। अब ज़रा हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं ना, हाइड्रोजन प्रोडक्ट की देखो, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में हो गई दो, आपको दिख रहा है ना, ये दो लिखने का मतलब हाइड्रोजन एटम्स, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स इन द रिएक्टेंट, तो आप कह देंगे कि यहाँ तो सर दो हैं, दो है ना, और यहाँ पर कितना है, टू, ये टू ऐसा नहीं है, अब ये मत समझ लेना ये टू केवल नाइट्रोजन के लिए लगाया था हमने, तो नहीं, ये टू इसके साथ भी आ गया, ये टू इसके साथ भी आ गया, क्योंकि दोनों एक साथ आ रहे हैं ना, समझ में आ रही, ये टू इसके साथ भी आ गया, ये टू इसके साथ भी आ गया, तो बताइएगा यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, बोलो, अपने दिमाग में लगाओ, बोलते जाओ साथ में वीडियो देखते देखते, दो टू थ्री जै सिक्स, इधर तो हाइड्रोजन सिक्स हो गया। अब देखो रिएक्टेंट के साथ नाइंसाफी हो गई, रिएक्टेंट रो रहा है, नहीं मेरे तो, मेरे पास तो दो ही हैं, तेरे पास छः कैसे हो गए, ऐसा कैसे हो गया, जादू हो गया क्या, नहीं ये जादू नहीं है, इसके पास थे छः तभी तो ये छः हुए होंगे, तो ये क्या कर रहा है कि मेरे पास तीन मुझे दे दो और, तो मैं कितना कर दूंगा, टू थ्री जै सिक्स, तो मैं थ्री कहाँ लगाऊंगा, यहाँ नहीं, मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा थ्री, तो बताइएगा टू थ्री जै सिक्स हुए कि नहीं, है ना इजी, हवा नहीं समझते, अरे बाबा इतनी बड़ी रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी, है ये इतने एन दो लगाया फिर किया, नहीं रे, थोड़ा सा पेशेंस रख करके, थोड़ा सा पेशेंस रख करके अपने आप को बढ़िया तरीके से यूज़ करना है, माइंड को यूज़ करना है, अपने माइंड को यूज़ करते हुए आराम से बैलेंस कर लेंगे, समझ में आ गई। तो यही एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की N2+3H2 gives अमोनिया एंड दिस प्रोसेस, अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर ये प्रोसेस जो हैबर्स प्रोसेस होती है। हैबर्स प्रोसेस में जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में कंबाइन कर देते हैं तो हमें अमोनिया प्राप्त हो जाती है, यानी कि अमोनिया हमको मिल जाती है केमिकल रिएक्शन में। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया, एक दो रिएक्शन और लेंगे फिर उसके बाद, अभी डेफिनेशन अभी लिखता हूँ आपके सामने, ठीक है, चलिए तो अभी मैं ये, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि भाई ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, कि वैन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ ईच रिएक्टेंट कह सकते हैं, आर
इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्या प्रोडक्ट। अभी मैंने बात की थी ना कि जब रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, अगर कोई हिंदी में देख रहा हो तो उसको हम बता सकते हैं रिएक्टेंट क्या है, अभिकारक है। व्हेन जब रिएक्टेंट के प्रत्येक रिएक्टेंट के नंबर और प्रोडक्ट के प्रत्येक प्रोडक्ट के एटम्स के नंबर जो है दोनों बराबर हो जाते हैं तो देन दिस रिएक्शन व्हाट दिस रिएक्शन दिस रिएक्शन इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बोलो बाबू, समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, है ना। व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच रिएक्टेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट दिस रिएक्शन इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल देखिए, एक और ले लेते हैं। हाइड्रोजन कंबाइंस विथ क्लोरीन, बड़ा इजी ले रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, है ना। हाइड्रोजन कंबाइंस विथ क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो फॉर्मूला भी बना सकते हैं अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड का ये वाली वीडियो अगर मेरी देखनी है ना, अगर आपको हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है, इस वीडियो का भी मैं लिंक दूंगा। वहाँ पर जाकर के आप लास्ट वाला पोर्शन देखना उस वीडियो का, है ना। वहाँ पर आपको ये मैंने कंपाउंड फॉर्मेशन बताया हुआ है, समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से सीख जाएंगे। तो हाइड्रोजन मतलब तो हाइड्रोजन एच, इसका जो चार्ज होता है प्लस वन, और सी एल माइनस वन, इसका जो चार्ज होता है माइनस वन। ये कैसे आता है? ह ली ना करे रब से फरियाद, ठीक है, नीचे फरियाद आएगा। उसके बाद ये वाला जो है, फिर कल बरात आई आंटी, है ना। तो अब देखो इसका जो है सोडियम सॉरी हाइड्रोजन, ये जो होंगे वो प्लस वन वाले होंगे, ये जो होंगे वो माइनस वाले, क्योंकि कल की बात है, फिर कल बरात आई थी आंटी, है ना, वो माइनस में। और ये किससे? रब से फरियाद हो रही है, यानी कि रूबीडियम से फरियाद हो रही है। रब बोले तो यहाँ रूबीडियम से है, है ना, तो रूबीडियम से फरियाद हो रही है, मतलब रब कितने है? एक है, तो हम कह देंगे प्लस वन चार्ज है। तो हाइड्रोजन पर प्लस वन चार्ज है, सी एल पे माइनस वन चार्ज है। तो जब ये जब चार्ज इक्वल है, प्लस और माइनस तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, और वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा आपको आंसर मिलेगा HCl। तो H2+KCl2 gives HCl। अब देखो जरा चेक कर लेते हैं कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम बराबर है या नहीं। बताओ बताओ, ये तो हो गए रिएक्टेंट, ये तो हो गए रिएक्टेंट बाबू, और ये हो गए प्रोडक्ट, है ना। ये हो गए रिएक्टेंट, ये हो गए प्रोडक्ट। अब देखो हाइड्रोजन कितना है? दो। इधर कितना है हाइड्रोजन? एक। लो रहा है वो प्रोडक्ट वाला हाइड्रोजन, लो रहा है, ये रो रहा है, मेरा तो एक ही, मेरे पास तो एक ही हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे? नहीं बेटा, हम तुमको देता है ना, हम तुमको दो देता है, तो हमने दे दिया ना, देखो दो, तो टू। अब कितना हो गया? ये लो टू, तो हो गए टू, तो देयर इज ऑल्सो हाइड्रोजन टू, अब हो गए ना। अब सी एल और चेक कर लेते हैं। सी एल इज इक्वल टू इधर कितना? दो। देखो ये दो दिखा रहे हैं ना, और इधर सी एल कितना है? देखो इधर भी हो गया ना दो, मेरे पास भी दो, मेरे पास भी दो, इक्के बाबू के पास भी दो, इक्के बाबू के पास भी दो, तो दो है ना, ये भी दो, तो बैलेंस दो दो, ये भी दो, है ना, तो बैलेंस हो गई केमिकल इक्वेशन। बताओ, बोलो बाबू, समझ में आ रहा है? आ रहा है, बहुत अच्छी तरह से आ रहा है ना। चलो, तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई, है ना। अब क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, और वो पूछ रहा है, बड़े प्यार से पूछ रहा है आपसे कि बताओ बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, है ना। एक तो ये हमने बता दिया बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, दूसरा हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या नीड है कि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, क्या ज़रूरत पड़ती है हमको, क्यों ज़रूरत पड़ती है, वाई, है ना। वाई वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, या वी बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, क्यों ऐसा हम करते हैं, तो उसका जवाब मैं आपको देता हूँ अभी, ठीक है। आप अगर नाइन्थ में पढ़ के आए हों तो वहाँ एक चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स,
और वहाँ पर एक बाबा हैं लेवोइसियर बाबा, वो अपना एक मास का फॉर्मूला देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या देते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहती है कि एवरी रिएक्शन, प्रत्येक रिएक्शन जो है वो किसको फॉलो करती है? कंजर्वेशन ऑफ मास को। यानी कि दोनों, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि किसी भी रिएक्शन में न तो मास क्रिएट हो और ना ही मास हमें उसमें, न तो मास क्रिएट हो और ना ही मास हमको उसमें देना पड़े, मतलब ना ही मास क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास न तो नष्ट होता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान न तो किसी रिएक्टेंट का मास ख़त्म होगा, नष्ट होगा, ना ही उसमें बनेगा, अपने आप नहीं बनेगा, जादू नहीं है, ओम स्वाहा बन गया, मतलब कुछ भी आप नहीं बना सकते, है ना। यानी कि जो आपने डाला है ना वो वही रहेगा, उसमें उतने ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने डाला मतलब 2 मोल डाले और उसमें मिल गए आपको 10 मोल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये कहा जा रहा है इस रिएक्शन के अंदर, तो जो आपने डाला है वही मिलेगा आपको, है ना। तो यहाँ क्या है, एवरी, हम बोल सकते हैं एवरी रिएक्शन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये भी ये कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, वही दोनों चीज़ें की बात है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। या हम ऐसे कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट, दोनों बराबर होता है, इसी के अंदर होता है ये बात, है ना। तो प्रत्येक रिएक्शन जो है किसको फॉलो होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इसीलिए हम प्रत्येक रिएक्शन को क्या करना चाहते हैं, उसको बैलेंस करना चाहते हैं, समझ गए ना। सो वी हैव टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बस इसका इतना सा आंसर है उसका आपका, कि भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद है एवरी रिएक्शन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज़ वाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दैट इज़ वाई वी नीड टू, आप लिख दे चाहे तो, दैट इज़ वाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन कह दो, ठीक है। ये कहानी हो गई आपका, मैंने एक क्वेश्चन भी करा दिया आपको, है ना, एक क्वेश्चन भी आपको मैंने कंप्लीट करा दिया। बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको पढ़ना है, और देखो पता है जब आप 10th कर लोगे ना तो आपके पापा क्या बोलेंगे या आपके आसपास के लोग क्या बोलेंगे, बेटा तूने खूब मजे लिए हैं, तुझे तो केमिस्ट्री दिलाऊंगा तू टेंशन ना ले। मतलब केमिस्ट्री को इतना खतरनाक सब्जेक्ट मान लेते हैं ना बच्चे, यार मुझे केमिस्ट्री लेनी पड़ेगी 11th में, केमिस्ट्री छोड़ करके 8th में भाग जाते हैं, फिजिक्स छोड़ के 8th में भाग जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, है ना, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो ना शुरुआत में चीज़ों को ध्यान नहीं देते, बेसिक चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं। आपको क्या करना है, उस पर ध्यान देना है ताकि आप साइंस लायक बने। और दूसरा, ये जो सब्जेक्ट है ना, साइंस हुआ या मैथ हुआ, ये सब्जेक्ट आपके माइंड को बड़ा शार्प बनाती हैं। इनको पढ़ने से ना आपका माइंड शार्प बनता है, आपकी जो थिंकिंग पावर है वो इंक्रीज होती है, इसलिए हम इन साइंस और मैथ को पढ़ते हैं। और दूसरा, कभी भी मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, कभी भी आप कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी, अधिकतर मैथ और साइंस जरा पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या P4 का फॉर्मूला याद रखेंगे। ये P4 है ना, बड़ा ही बढ़िया फॉर्मूला है, मतलब P4 का मतलब ये फॉस्फोरस से नहीं है, P4 या कुछ और ही है। देखो मैं आपको बताता हूँ, P4 कोई भी स्टडी करना है ना ये जरूरी है, P4 पेपर और P4 प्रैक्टिस एंड P4 पेशेंस। पेशेंस बेटा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेशेंस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा टॉप की साइड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा बाहरी ज्ञान जरूरी है, नैतिक शिक्षा जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और यार ये केमिस्ट्री कैसे पढ़े, अरे कैसे पढ़ेंगे। हाँ नहीं, मैं ना आपके साथ
हम हैं आपके साथ और आप हमारे साथ हैं, बस मज़ा आएगा, दोनों एक साथ मिलेंगे सब लोग, हम मतलब स्टूडेंट और टीचर जब मिलते हैं ना तो कतई मज़ा आ जाता है, क्लास में एकदम रौनक बन जाती है ना। तो आइए, तो मैंने कहा पेशेंस, ये पेशेंस क्यों ज़रूरी है ना। आप मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन करने बैठे या कोई भी चीज़ याद करने बैठे, अरे आपने मान लीजिए इतना बड़ा जो रिएक्शन थी ना वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और मैंने लगभग लगभग 5-6 लाइन की लिख दी, आप याद कर रहे हैं, याद किया एक लाइन की, याद किया हाँ दो लाइन याद किया, फिर तीन किया, आपने एक बार याद किया भूल गए, फिर दो बार याद किया भूल गए, अब चौथी बार कहते यार ये बाहर में जाए, मेरे को नहीं पढ़ना ये, है ना। तो वहाँ आपने क्या खो दिया, आपने खो दिया ना अपने पेशेंस खो दिया, पेशेंस खो दिया ना। तो ये पेशेंस है ना ये बहुत ज़रूरी है, धैर्य, कोई भी काम करना ना धैर्य से उसका सामना करना है। तो हमारी जो साइंस है ना खतरनाक नहीं है, बस आपको पेशेंस रखना है ना। आप कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप उसका सामना कर सकते हैं यदि आपके पास पेशेंस है। दूसरा, ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कोई भी काम करना है प्रैक्टिस से करना है, बढ़िया से करना है एकदम, फिर ये चीज़ तो आपके पास होती है। तो पक्का अपने जीवन में ये बात याद रखना कि आप कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी, खास करके मैथ और साइंस पढ़ रहे ना, तो ये चीज़ तो आपको पक्का ही आपको रखना है अपने पास, पेशेंस तो कूट कूट के भरा रहना चाहिए। अगर एक बार याद नहीं होना छोड़ना नहीं है, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, है ना, आज मुझे पूरा ये सब पढ़ना है, मुझे समझना है ये चीज़ों को, है ना, आज सर की वीडियो मुझे दो बार नहीं तीन बार देखना है, पर मुझे ये पूरा केमिस्ट्री करना है ना, छोड़ेंगे नहीं हम। आइए, तो हमने सीख लिया बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद डायरेक्ट पहुँचते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे, है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगली बात आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मज़ा आने वाला है, कतई मज़ा आने वाला है बच्चा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इतनी बेहतर, इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें करने वाला हूँ मैं इसमें, कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके पूरा एनसीईआरटी से उठाऊंगा, कहीं से बाहर से कोई भी रिएक्शन नहीं दूंगा, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, यहीं से पूरा आपका एनसीईआरटी बेस सब कुछ करा रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो मैं एक रोड मैप की तरह बना रहा हूँ कि जो कितने प्रकार के हम रिएक्शन, कौन कौन सी रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहली रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे, सबको पता है, एक बार अपने साथ बोलते जाए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन फिर पढ़ेंगे हम, अरे बोलो, फिर पढ़ेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है कि नहीं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद अगला नंबर आएगा, ये भी पढ़ने आ रही है ना, मक्खी भी पढ़ने आ रही है भाई, गर्मी इतनी ज़ोर से है ना, सब कुछ यहीं पे आता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वाह वाह वाह, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो कतई खतरनाक, कतई काम में आने वाली भी आपकी रिएक्शन है। आप जब भी पढ़ेंगे ना ये रिएक्शन बहुत ज़रूरी काम आएगी, आप 11th में आएंगे ना, 11th में तो पक्का ही आने वाली है, छोड़ेंगे नहीं आपको, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक बार डिस्प्लेस किया तो डबल करने की क्या ज़रूरत थी भाई, एक बार डिस्प्लेस किया तो डबल करने की जरूरत थी, फिर भी पढ़ना पड़ेगा ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अरे भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, इसके अंदर ही आगे दो तीन टॉपिक आ जाते हैं, सो ये चैप्टर दो टॉपिक और आएंगे, ठीक है, वो और पढ़ेंगे, कोरोजन है एक, रेंसिडिटी है, चैप्टर आपका वहीं क्लियर हो जाता है ना। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन आएगा, वहाँ पढ़ेंगे, है ना। अभी देखो मैं इनके भी टाइप बता देता हूँ, कौन कौन सी चीज़ को मुझे आगे और पढ़ना है। ये वाली रिएक्शन जो है तीन प्रकार की हो जाती है, आगे डरना नहीं है, ये रोड मैप देख के, अभी मैंने इसलिए P4 बताया, डोंट बी फियर, बहादुर सर इज हियर, ओके। आइए देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक तो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
तीसरा फोटो, फोटो खींच मेरी फोटो, फोटो केमिकल, ना खींचना नहीं है, फोटो नहीं खींचना, AGBR यूज नहीं करना, फोटो केमिकल रिएक्शन। उसके बाद ये जो है दो प्रकार की रिएक्शन दो प्रकार से पढ़ने वाले हैं, एक तो मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, मतलब ये दोनों कंबाइन कर देंगे तो रिडक्स रिएक्शन बन जाती है, और डिफ सेपरेटली पढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन एक एक रिडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बताओ मज़ेदार है कि नहीं, डरना नहीं है, बस बिल्कुल मज़े से बैठ जाइए, एकदम एकदम बढ़िया से आपको रटा दूंगा, एकदम मज़ा, रटाने का मतलब समझा दूंगा पूरी तरह से, एकदम कतई मज़ा आ जाएगा, देख लीजिए कॉम्बिनेशन। अब मैं एक एक करके इन रिएक्शंस को डिस्कस करता हूँ, आज जितनी रिएक्शन डिस्कस हो जाएंगी उतना होगा, सारी रिएक्शन डिस्कस नहीं करूँगा वरना आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, मुझे पता है, नेक थोड़ा सा मज़े लेके चले जाते हैं, थोड़ा देखा आए सर जी आ गए, हाँ वीर सर को पता चल जाए व्यूज आ रहे, नहीं बेटा जी आपको पूरा देखना है, अगर आप टेंथ में है ना तो ये आपके बहुत काम आने वाले सच में, ठीक है। तो पूरा वीडियो देख के जाया करो और कतई एकदम, और बाद में कमेंट और करके जाया करो कि सर मज़ा आया या नहीं आया, सर और मज़ेदार डालो, और मज़े डालो इसमें, है ना, मज़े आएंगे फिर तो आनंद। ओके चलिए आगे चलते हैं, अब इनके मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। देखिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हिंदी में संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना, दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें क्या कर रही है, मिल रही है, कंबाइन हो रही है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है कि भाई व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, क्या कहा, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, क्या, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो केवल एक पदार्थ बनाते हैं या एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो द रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंस टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, ए सिंगल सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप नोट्स भी बनाते जाइए, मज़ेदार बनाइए, ठीक है। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो पहला नंबर एग्जांपल के बारे में बात करें तो पहला एग्जांपल वही हेबर्स प्रोसेस, दिस इज नॉट गेबर्स प्रोसेस, इट्स हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है कि व्हेन नाइट्रोजन गैस कंबाइंस विद हाइड्रोजन गैस गिव्स अमोनिया, अमोनिया फॉर बोले तो NH3, टॉयलेट में जो बदबू आती है ना अमोनिया की बदबू आती है, तो N2+H2 गिव्स अमोनिया, बैलेंस बैलेंस देखो दो नाइट्रोजन है, इधर एक है तो दो कर दिया, तर्स खा लिया ना, दो नाइट्रोजन इधर, हाइड्रोजन दो इधर, कितना 6-3 करना पड़ेगा ना, हो गया ना बैलेंस। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखिए इसी का, यहाँ पर मैं कह दूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन या बर्निंग ऑफ, ऐसे कहते बर्निंग, मज़े आएगा ये आपकी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन आपकी एक्टिविटी है, फर्स्ट एक्टिविटी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बड़ी मज़ेदार है। आप अगर आप इसे अपनी लैब अपनी स्कूल की लैब में करेंगे ना तो कतई मज़ा आ जाता है इस रिएक्शन को देख के सच में, एकदम एकदम जब मैग्नीशियम रिबन जलती है ना तो एकदम बहुत बहुत सारा उजाला होता है, बहुत सारा लाइट होती है, एकदम चमकती हुई लाइट होती है, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम
रिबन, इसके साथ मैं क्वेश्चन भी निकाल दूंगा आपके यहाँ, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है इसके ऊपर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या मोस्ट इंपोर्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, देखे ठीक। उसके बाद देखो मैग्नीशियम एमजी, यहां कर देता हूं मैं, थोड़ा सा नीचे दिखेगा नहीं आपको इस वजह से, एमजी प्लस ओ टू गिव्स MgO, यानी कि देखो देखो मैग्नीशियम प्लस ओ टू गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम को एयर में जला दिया और आपको क्या मिल गया, क्या मिल गया आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, बड़े मस्त है भाई, आपके पेट में अगर गैस बन रही हो ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में पानी डालो और बनाओ और उसे पी लो, ठीक है। इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब मिल द मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपने शायद आपके घर में कोई लेके आया हो जो जिसके पेट में गैस बनती हो, तो एक वाइट कलर की दवा आती है, वाइट बिल्कुल उसे मिल्क जैसी लगती है, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO, वाटर के साथ मिलते ही एकदम आपकी दवाई का काम करती है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी कि कंबाइन हुए ना दो से ज़्यादा, दो प्राप्त हुए और उनको क्या प्राप्त है, एक सिंगल सब्सटेंस प्राप्त हो रहा है। अब मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, बैलेंस क्या क्या आएगा, यहाँ पे कितने कितना ऑक्सीजन, इधर दो है, इधर एक है, तो इधर मैंने दो कर दिया, तो इधर भी दो कर दिया, हो गया ना बैलेंस, बोलो समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ओके। चलो अगला नंबर चलते हैं, अगला मैं एग्जांपल और करा रहा हूँ आपको, है ना, छोड़ेंगे नहीं आज, एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें ताकि वो आपके दिमाग में रहें, और ये रट्टा नहीं मारना रिएक्शंस को, बस दिमाग में रखना है। और क्या दिमाग में रखना है, मैग्नीशियम, सर ने बोला था कि पेट की दवा, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम आ रहा नाम, हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड होता था, वाटर के साथ मिलाते थे, ये बनता था ऑक्सीजन और मैग्नीशियम से, बस कहानी है। हैवर्स प्रोसेस में अमोनिया बनता है किससे, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल जाते हैं, बन जाती है। अब इसके बाद है एक और थर्ड नंबर कह देंगे कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो कॉम्बिनेशन कर दो ना, इतनी बात सोचते हो बाबू, ऐसे करो HCl बना दिया, ऐसे बैलेंस कर दिया, हो गया। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बताओ बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिएगा और आगे चलते हैं। एकदम कतई मज़ा आना चाहिए, और साथ ही साथ इसको आप दिमाग में रखिए, समझते जाइए, प्रैक्टिस करिए, पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करिए, एक बार नहीं आता दो बार, पेशेंस नहीं छोड़ना है, पेशेंस छोड़ दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा बेटा जी, हैं, फिर आप कहेंगे यार बहादुर सर जी तो सिर्फ पढ़ा देते हैं, हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा, है ना, तो पढ़ना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे मेहनत करना है। चलिए आगे चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर, अगला है मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गर्मी है इसलिए मैं आज इतना ही रखूँगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि भाई इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टी है, एकदम बिल्कुल ऐसे कर दो, इससे इधर जा रहे थे ना ऐसे आना है, इससे इधर जा रहे थे ना अब लौट के आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जहाँ पर सिंगल सबस्टेंस क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है टू और मोर सबस्टेंस में, डिकम्पोज हो रहा है टू और मोर सबस्टेंस में, इसकी हम अपनी डेली लाइफ में चीज़ें दे सकते हैं, हमारे जो स्टमक में जो खाना डाइजेस्ट होता है ना, वो कई भागों में टूट जाता है, वो स्प्लिट हो जाता है ना, ग्लूकोज में, फिर एनर्जी में, फिर बहुत सारी चीज़ों में, है ना। तो वो क्या है, ये वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। और दूसरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से, कि व्हेन द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सबस्टेंस डिकम्पोज इंटू टू और मोर
सबस्टेंस इज नोन एज क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेरे साथ बोलो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और टूटने वाली रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सबस्टेंस डिकम्पोज इंटू टू और मोर सबस्टेंस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल 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 देखो, अभी कहना ये अपोजिट है, तो अपोजिट है तो अमोनिया, हैबर्स प्रोसेस का उल्टा कर दो, अमोनिया से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना दो, है ना। क्या करते हैं एग्जाम्पल में, क्या कर दिया, अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ऐसे लिख दो, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। NH3 को क्या कर दिया आपने, इसे स्प्लिट किया, हीट किया, और ये N2 और 3H2 में फिर से टूट गया। तो ये क्या है, ये ही तो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा, एकदम अपोजिट। वो मैंने तो आपके लिए NCERT क्वेश्चन भी ढूंढ लिया, आपके यहाँ NCERT क्वेश्चन भी है, और वो क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10th हो सकता है। वहाँ देखिएगा एक्सरसाइज में, वो कहता है कि डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, प्रूव करिए। कर दिया ना, दोनों की डेफिनेशन लिख दो और नीचे एग्जांपल लिख दो, नीचे लिख दो हैंस, नीचे लिख दो हैंस, क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, ठीक। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे अगले लेक्चर में। बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बहुत सारी है, अनगिनत हैं, इतनी रिएक्शंस हैं, मज़ा आ जाएगा, मैं आपको कराऊंगा तो। लेकिन डरने का नहीं, P4 साथ में रखने का, P4 P for pen, P for paper, P for practice, P for patience, patience के साथ वीडियो देखिए और बैलेंस करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए इसी तरह, और अपना प्यार मुझे बरसाते रहिए। थैंक यू।